और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। नीतीश कैबिनेट से मंत्री का इस्तीफा, जीतन राम मांझी के बेटे का इस्तीफा हुआ है। बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, और उन्होंने बिहार कैबिनेट से दे दिया है इस्तीफा। नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा किस लिए दिया गया, किस वजह से दिया गया, इसकी जानकारी हम जरूर जुटाएंगे। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर, कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार महागठबंधन में किसी तरीके की कोई दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी है हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और जीतन राम मांझी के बेटे नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पटना से हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, क्यों दिया संतोष सुमन ने इस्तीफा नीतीश कैबिनेट से? देखिए, नीतीश कैबिनेट के मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है। उससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि अब जीतन राम मांझी के एनडीए में आने के कयास जो लगाए जा रहे थे, वो लग रहा है कि जीतन राम मांझी ने अभी ये मन बना लिया है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाते हैं तो उनके बेटे हैं जो नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में SC ST कल्याण मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उनका क्या होगा। अगर जीतन राम मांझी से मान मनोबल चल रहा था, वो पिछले दिनों वो नीतीश कुमार से मिले थे, फिर विजय चौधरी से मिले थे, आज सुबह भी वो विजय चौधरी से मिले जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी और उनके सरकार में मंत्री हैं, और वहीं पर ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने बाहर आकर, हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई है, इसके पहले भी कई दफे अपनी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन आज उनसे मिलने के दौरान ही अपने मंत्री बेटे का इस्तीफा खुद जीतन राम मांझी ने ही सौंपा है। लेकिन रुपेश, इस असंतोष की वजह क्या रही कि ये लोग नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, और जैसी खबरें हैं कि एनडीए में फिर से शामिल हो सकते हैं, नाराजगी का कारण क्या है? देखिए, पिछले दिनों अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं जीतन राम मांझी, हालांकि तब उन्होंने कोई और वजह बताई थी। उसके बाद से सार्वजनिक मंच से पूर्णिया की एक रैली में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा था कि आप छोड़कर कहीं मत जाइए, हम लोग आपको यहीं पर आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद से जीतन राम मांझी ने ये कसम खाई थी कि मैं नीतीश कुमार के ही साथ हूँ, लेकिन उसके बाद भी गाहे बगाहे जीतन राम मांझी ये कहते रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, तमाम तरह के सवालों पर नीतीश सरकार को घेरते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने लोकसभा की 5 सीटों पर अपना दावा पेश किया था, और ये सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को 5 सीटें पे, हालांकि बहुत अगली है, लेकिन जीतन राम मांझी से एनडीए में जाने का कहीं ना कहीं मन बना लिया है, या एनडीए की तरफ से उनको जो न्योता मिला है उसे उन्होंने स्वीकार किया कर लिया है, और उसके बाद से ही ये तमाम तरह के कि 5 सीटें चाहिए, बिहार में भ्रष्टाचार है, शराबबंदी कानून को लेकर लगातार। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने कसम खाई थी, लेकिन सियासत में कसम कहां टिकती है? आप जरा ये बताइए, आप जब ये तय माना जा रहा है अंदर खाने से कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं जीतन राम मांझी, कब तक हम संभावना रखें कि इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा? देखिए, औपचारिक ऐलान हो सकता है कभी ना हो, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि चिराग पासवान भी एनडीए में जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में जाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया है, तो ऐसे में जीतन राम मांझी अभी ऐलान कर दें ये बहुत जल्दी संभव नहीं है। लेकिन ये तमाम चीजें उसी की तैयारियां हैं, ये कयास सिर्फ लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी एनडीए के हिस्सा बनेंगे जब से वो अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद से जिस तरह से गाहे बगाहे हर मौके पे मौके जिस तरह से वो नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर, उनके काम काज पर, उनके बेटे मंत्री के विभाग में उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनके विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं। रुपेश, क्या नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के और भी विकेट गिर सकते हैं? देखिए, अभी फिलहाल मंत्रियों की तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं नाराज रहे हैं। 3 JDU के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने जो ये अगवानी पुल ध्वस्त हुआ उसको लेकर नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। इसके पहले 4 ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार के करीबी विधायक हैं जिन्होंने अलग से अपनी एक बैठक करी थी। तो विधायक हो या फिर मंत्री हो, कई मंत्री नाराज जरूर चल रहे हैं, यानी कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रुपेश, जल्दी से इसकी भी जानकारी दे दीजिए, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसकी हाल में एक बैठक भी हुई थी, क्या उस बैठक में ही ये तय कर लिया गया? देखिए, जीतन राम मांझी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, और कोर कमेटी की बैठक में विधायक जरूर वहां पर पहुंचे थे और इस बात पे विचार हुआ था, लेकिन तब जीतन राम मांझी बाहर मीडिया के सवालों को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन उस वक्त से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से अभी हमलावर है नीतीश कुमार पर, उनके फैसलों को लेकर के जिस तरीके से वो समीक्षा कर रहे हैं, शराबबंदी को लेकर जिस तरह से बयान कर रहे हैं, और ऐसे में उनके कोर कमेटी की बैठक तमाम विधायक वहां पहुंचते हैं, और उसके पहले वो कहते हैं कि अपनी कोर कमेटी की बैठक में हम कुछ फैसले लेंगे, कुछ निर्णय
निर्णय लेंगे, वो निर्णय यही था कि मंत्री बेटे इस्तीफा का तो सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन जहां उनको पहुंचना है वो है एनडीए, और एनडीए में जाने की जो संभावना, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन्हीं ये मंत्री बेटे के इस्तीफे के रास्ता है जीतन राम मांझी। आगे आप नजर बनाए रखिएगा। और अब ये जो बड़ा विकेट गिरा है, संतोष सुमन जीतन राम के बाजी मांझी के बेटे हैं, नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कुमार अब इस पर क्या कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। नजर आप बनाए रखिएगा।